हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, एक ये एडिटोरियल आया है, व्हाट इज बैटल ओवर द फ्लॉग सिंबल इन लद्दाख। देखते हैं क्या है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन सितंबर 6 रिप्रीमेंडेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख फॉर प्रोक्रेस्टिनेटिंग इन रिजर्विंग द फ्लॉग एज अ पार्टी सिंबल फॉर दोज कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टिंग ऑन द नेशनल कॉन्फ्रेंस टिकट्स इन लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल इलेक्शन। तो ये चल रहा है कि इन्होंने जो फावड़ा होता है, आपका प्लो होता है, उसको रख लिया है, रिजर्व करके रखा है दूसरे पार्टीज के लिए। द डबल्ड बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड लद्दाख अर्लियर इलेक्शन पोलिंग डेट ऑफ सितंबर 10 एंड डायरेक्टेड द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन टू री नोटिफाई इलेक्शन डेट्स। इट ऑब्जर्व दैट द एनसी रिजर्व द राइट टू बी इंटाइटल्ड टू एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट ऑफ द प्लो सिंबल फॉर कैंडिडेट्स प्रपोज टू बी पुट अप बाई इट। द सुप्रीम कोर्ट वाइल डिसमिसिंग द अपील ऑफ द लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन पुट कॉस्ट ऑफ 1 लाख रुपीज ऑन इट फॉर वेस्टिंग द कोर्ट्स टाइम। सही किया भाई, तुम कुछ भी करोगे सबका टाइम वेस्ट करोगे, पैसा दो अब। फ्रेश नोटिफिकेशन इशूड बाई द लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन एज फिक्सड अक्टूबर 4 एज द न्यू पोलिंग डेट। तो देखते हैं क्या है। वाई डिड सुप्रीम कोर्ट रेप्रीमेंड देम। द सुप्रीम कोर्ट केम डाउन हार्ड ऑन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ इट्स फेलियर टू अबाइड बाई टू ऑर्डर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट एंड लद्दाख। फर्स्ट इशू बाई अ सिंगल बेंच ऑन अगस्त 9 एंड सेकेंड बाई अ डबल बेंच ऑन अगस्त 14 अलाउंग द एनसी टू रिटेन फ्लो एज इट्स पार्टी सिंबल इन लद्दाख। फ्लो इज ऑलरेडी ए रजिस्टर्ड पार्टी सिंबल ऑफ एनसी विद द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। द अपेक्स कोर्ट हिंटेड द एट अ डिलिबरेट डिले ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। वाई वॉज एनसी, एनसी अगर आप देख रहे हैं तो ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये एक पार्टी है। वाई वॉज एनसी डिनाइंड इट्स सिंबल। द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख लिस्टेड पार्टीज एंड द सिंबल्स इन जुलाई दिस ईयर थ्रू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन बट डिडंट रजिस्टर एनसी एज ए पार्टी देयर। लद्दाख विच वॉज पार्ट ऑफ द कश्मीर डिवीजन ऑफ द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज कार्व्ड आउट एज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी इन 2019 आफ्टर द पार्लियामेंट अडॉप्टेड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। आफ्टर दैट इन 2019 इटसेल्फ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द एनसी एज अ पार्टी ऑफ यूनियन टेरिटरी। इतना पहले था, अब नहीं है, तो इसलिए इसको रोका जा रहा है। तो देखते हैं क्या है। द लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन डिनाइन द पार्टी सिंबल ऑन द ग्राउंड दैट द रिजर्व सिंबल प्लो हैज़ टू बी नोटिफाइड बाय ईसीआई। ठीक है, ये हमारे लिए नहीं है। हाउ डिड द एनसी डिफेंड इट्स सिंबल। द एनसी इज करंट पॉलिटिकल पार्टी इन द पावर ऑफ लद्दाख के क्या हो गया, हमने यहाँ पे बात किया कारगिल, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल। तो लद्दाख के ये है आपका सीट्स इन 30 मेंबर लद्दाख के टू इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी इन द 2018 हिल काउंसिल इलेक्शन। द एनसी अक्यूज द इलेक्शन अथॉरिटी ऑफ लद्दाख ऑफ बायस इन डिनाइंग देम टू पार्टी सिंबल सेइंग द सेम इलेक्शन अथॉरिटी ग्रांटेड द आम आदमी पार्टी द सिंबल फॉर द 2020। ठीक है, कोटिंग रूल्स हम इतना ठीक है। वॉट वॉज बिहाइंड द लीगल टसल। द बीजेपी कार्वड आउट, ये हमें मतलब नहीं लीगल टसल का, चलिए देख लेते हैं। द बीजेपी कार्वड आउट द लद्दाख एज अ यूनियन टेरिटरी लार्जली ऑन दी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स बाय द बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ऑफ द रीजन विच इज स्प्लिट बिटवीन द मुस्लिम मेजोरिटी कारगिल डिस्ट्रिक्ट एंड द बुद्धिस्ट मेजोरिटी ले डिस्ट्रिक्ट। तो कारगिल मुस्लिम मेजोरिटी है, ले आपका बुद्धिस्ट मेजोरिटी है। द बीजेपी नॉट लाइक द रिटर्न ऑफ एनी रीजनल फोर्स टू लद्दाख दैट विल रिवाइव द पॉलिटिक्स इन फेवर ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370 और रीयूनिफिकेशन ऑफ लद्दाख विद जम्मू एंड कश्मीर। द गुपकर अलायंस स्टीयर्ड बाय एनसी प्रेसिडेंटेड बाय प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैज़ रिपीटेडली डिमांडेड रीयूनिफिकेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर इन केस ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस रिटर्न टू द पावर ऑफ लद्दाख के। इन दिस पोल इट विल सेट विक्ट्री एज अ वोट फॉर रीयूनिफिकेशन एज ए स्पेशल स्टेटस। एनसी वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला हैज ऑलरेडी टर्म द लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन मूव टू डिनाई द सिंबल ऑफ अ बायस्ड एजेंडा टू बेनिफिट
द बीजेपी विच मैनेज टू विन ओनली वन सीट इन 2018 पोल। तो देखिए, पॉलिटिकल इशू से उठ के हमें बात करनी चाहिए, हमें बीजेपी, आम आदमी पार्टी और एनसी में नहीं जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये आपका ले। तो देखिए, जम्मू कश्मीर को हमने अभी एक्ट जो आया था अपना 2019 में, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इससे हमने यूनियन टेरिटरी बनाया। अब ये लोग रो रहे हैं कि भाई हमें हमारा पार्टी सिंबल चाहिए, पर वो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे जो अब पहले तुम यहाँ पर थे, एक ये था, अब हमने उसको बीच से काट दिया तो तुम इधर आ गए, तो तुमको इधर रजिस्टर करना पड़ेगा ना अलग से। तो वही बात हो रही है, वो समझ नहीं रहे। और दूसरी बात, यहाँ पे मेरे को एक चीज़ बहुत सोच के ही गुस्सा आ रहा है, आर्टिकल 370 हट चुका है, अब नहीं आएगा। ये क्या बेवकूफ़ लोग हैं क्या? मतलब ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और एक और नाम उमर अब्दुल्ला, मतलब क्यों लाना है तुम्हें? इंडिया के साथ हो तुम, तुमको क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ पे कैसे हम ग्रो कर रहे हैं, कैसे हमारी यूनिटी सर्व करती है, देख के समझ नहीं आ रहा। तुम लोग पॉलिटिक्स से ऊपर उठो यार, ग्रो करने का सोचो, बायस एजेंडा ये सब अलग चीज़ है। पर देखो, एक होती है पॉलिटिक्स, उसको अलग रखो, और एक होती है आपकी एथिक्स, आप एथिक्स के ऊपर सोचो ना। पॉलिटिक्स को अलग रखो 2 मिनट के लिए, वो आप बोलने में बोलो सब करो, पर एथिक्स के ऊपर सोचो। जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट था, है, रहेगा। अब ये इस एक्ट ने इसको लेजिटिमाइज कर जरूर दिया है, पर ये पहले से था, और ये नहीं था तब भी हम अपने ही मानते थे भाई, तुम्हारे कहने से तो नहीं होगा। तो पता नहीं है क्या मतलब करके आ रहे हैं, सस्ता नशा करके आ रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आता। ये मेरे को बहुत ही बेकार लगता है। इस आर्टिकल में अगर आप लोग को कुछ देखना है तो बस इतना जानिए, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में आया, जिससे इसका स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया। बहुत अच्छा किया, क्यों दे भाई स्पेशल स्टेटस? इक्वालिटी यहाँ पे सब लोग को चाहिए, तो एक स्पेशल स्टेटस भी हटाओ। और दूसरा कि कारगिल आपका मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, ले आपका बुद्धिस्ट मेजोरिटी एरिया है, एक छोटा सा फैक्ट है, ये याद रखिए। आर्टिकल 370 हटा दिया गया, हमने देखिए तो यहाँ पे आर्टिकल 370 देख लीजिए और 35A देख लीजिए, और स्पेशल स्टेटस क्या था पहले का देख लीजिए, अब हट गया। एंड आई विश कभी ना आए, और शायद कभी आएगा भी नहीं। इन बेवकूफ़ों की बात मत सुनो, ये लोग बस उल्टे सीधे काम करते हैं वोट बैंक के लिए, इनको इग्नोर किया जाए। और हाँ, इस आर्टिकल में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कुछ है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड पार्टी सिंबल, आप देखिए कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्टी सिंबल देता है, कैसे कैसे पार्टी को नेशनल पार्टी हो गया, आपका स्टेट पार्टी हो गया डिफाइन करता है, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू पढ़ना पड़ेगा। इस आर्टिकल में हमारे इतना इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू गाइस, एंड प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।